पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा, पर किसी एक शख्स को मुझे जवाब देना है। मुंबई में था, उस इंसान ने कहा कि आर्टिस्ट चाहे तुम कितने ही बड़े हो जाओ, मुकाम हासिल करना है तो एक गॉडफादर होना चाहिए तुम्हारा। तो उसके लिए मैंने दो लाइनें लिखी थी कि जवाब दे देता हूँ कि फरिश्ते नहीं चाहिए मुझे, मैं सब कुछ खुद ही बना लूँगा। फरिश्ते नहीं चाहिए मुझे, मैं सब कुछ खुद ही बना लूँगा, तू बस वो कलम इधर सरका दे, मैं इतिहास खुद ही रचा लूँगा। तो मैं पढ़ता हूँ वैसे कि मुझे कल रात नींद नहीं आई, तो एक गज़ल है उस पर कि कल रात एक अजब सा समा रहा, समा समझते हैं ना सब माहौल, कल रात एक अजब सा समा रहा, बंद आँखों में भी वो नज़र आता रहा, खामोशी लबों से लिपटी रही, मन ही अकेला चीखता चिल्लाता रहा। कभी, ये शेर है गज़ल का, गौर कीजिएगा कि कभी बत्ती जला के बेजान कमरों को, कभी बत्ती जला के बेजान कमरों को, तो कभी पर्दा हटा कर चांद को मैं अकेला ही जगाता रहा। लेट कर सायर बंजर ज़मीन पर, लेट कर सायर बंजर ज़मीन पर, आसमां को बरसने की पुकार लगाता रहा। उसकी याद में हर दूसरे पल जलते दिए को वो बेवफा शब्द से बुझाता रहा। बहुत कुछ था, आखिरी शेर है कि बहुत कुछ था लिखने को उस शायर के पास, फिर भी ना जाने क्यों वो उंगलियों में कलम नचाता रहा। मैं साहब जो भी हैं, जो रिलेशन में, जो नहीं है, पहले तो सबको कह दूं कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे, ठीक है, और उन लोगों के लिए हमदर्दी जिनका आज कटने वाला है फ्रेंड जोन के नाम पे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को यहाँ पे, एक बहुत खूबसूरत मैरिड कपल दिख रहे हैं, नमस्ते, तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप को सिंगल महसूस करें कुछ देर के लिए, प्लीज़, तभी फील कर पाएंगे, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और ये गज़ल स्लो गज़ल है, तो आज के हर एक लाइन को महसूस कीजिएगा मुशायरे की तरह, मतलब सिर्फ पढ़ के सुनना और वाह वाह नहीं कर देना, अगर महसूस हो तो फिर देख लेंगे। तो शुरू करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी दर्द की गुलाम क्यों है, मेरी ज़िंदगी दर्द की गुलाम क्यों है, मेरे हर ज़ख्म पे वही एक नाम क्यों है। मेरी ज़िंदगी दर्द की गुलाम क्यों है, मेरे हर ज़ख्म पे वही एक नाम क्यों है। मेरा तो दुकान भी नहीं था उस बाज़ार में, फिर मेरी हर चीज़ बदनाम क्यों है। मेरा तो दुकान भी नहीं था उस बाज़ार में, फिर मेरी हर चीज़ बदनाम क्यों है। ये तो बतलाओ मुझे, मोहब्बत हम दोनों की थी ना, ये तो बतलाओ मुझे, मोहब्बत हम दोनों की थी ना, फिर इन दूरियों से सिर्फ उसे आराम क्यों है। फिर इन दूरियों से सिर्फ उसे आराम क्यों है। और शेर है कि ये इंतकाम मतलब होता है बदला, आप लोग सब जानते ही होंगे कि शेर है कि ये ज़ख्म मेरी ही जिस्म पे घर बनाए बैठे हैं, ये ज़ख्म मेरी ही जिस्म पे घर बनाए बैठे हैं, फिर इनका रवैया मुझसे इंतकाम क्यों है। और तुमने ही तो इस रिश्ते को दफनाया था ना, तुमने ही तो इस रिश्ते को दफनाया था ना, फिर मुझ पे इस कत्ल का इल्ज़ाम क्यों है। उस और आखिरी शेर है, इसमें थोड़ा सा मैंने दोगली वर्ड का यूज़ किया है, बट समझिएगा कि उसकी दोगली मोहब्बत अगर सिर्फ बेवफाई थी, उसकी दोगली मोहब्बत अगर सिर्फ बेवफाई थी, तो मेरा किसी और को सोचना भी हराम क्यों है। और एक और है, अब ये भी इसमें भी मैंने गम और बाकी चीज़ों के बारे में बात की है, पर इसमें मैंने सिर्फ उसकी बात की है, और अब इसमें जिन लोगों की बात करूँगा वो उसको छोड़ के बाकी लोग हैं, ठीक है। तो पढ़ता हूँ कि गम से ज़िंदगी का कुछ ख़ास याराना है क्या, गम से ज़िंदगी का कुछ ख़ास याराना है क्या, ज़िंदा रहने के लिए इसे हर हाल निभाना है क्या। शेर है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि होठों पर बिठा कर ये झूठ अब नहीं चलना मुझे, होठों पर बिठा कर ये झूठ अब नहीं चलना मुझे, बेगैरत थे वो लोग उन्हें अभी इंसान बुलाना है क्या, बेगैरत थे वो लोग उन्हें अभी इंसान बुलाना है क्या। अब ये शेर है कि मुझे तो देख वो गैरों सा गुजर जाता है, मुझे तो देख वो गैरों सा गुजर जाता है, मुझे अब भी उसे देख मुस्कुराना है क्या।
और जख्मों पे बैठे वो, ये शेर मर्दों के लिए है, सिर्फ ये मर्द रिलेट कर पाएंगे, कि जख्मों पे बैठे वो आंसू, जख्मों पे, सर ध्यान दीजिएगा, जख्मों पे बैठे वो आंसू मैंने खुशी के बता दिए, मर्दानगी के लिए ये झूठ अब भी उन्हें बताना है क्या। और आखिरी शेर है कि कब तक इन दुख, इसमें मैंने अपना नाम इन्वॉल्व किया है, कि कब तक इन दुख दर्द गमों को चादर बना लपेटा रहूंगा, कब तक इन दुख दर्द गमों को चादर बना लपेटा रहूंगा, संगम तुझे इस चादर का कफन बनाना है क्या। तो सुना देता हूँ ये गजल के कुछ शेर हैं, कि आप लोगों ने थोड़ी मोड़ी तालियां बजाई, ज़्यादा तो बजाएंगे, खैर बेइज्जती होगी, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो जितनी भी तालियां बजाई, मैं अपना दर्द बांट रहा था, दुखड़ा बांट रहा था, और लोग तालियां बजा रहे थे, कई बात ये चीज़ें खराब लगती हैं, तो इस पे लिखा, हाँ बिल्कुल लगती हैं भाई, तो इस पे लिखा है कि मेरे दर्द पे तालियां बज रही हैं और कितना नाकाम देखेगी तू मुझे, मेरे दर्द पे तालियां बज रही हैं और कितना नाकाम देखेगी तू मुझे, आंखों ने नींद की गलियों से आना जाना छोड़ दिया है और कितना परेशान देखेगी तू मुझे, आंखों ने नींद की गलियों से आना जाना छोड़ दिया है और कितना परेशान देखेगी तू मुझे, खुद को आईनों में गैर सा मिलता हूँ, खुद को आईनों में गैर सा मिलता हूँ और अपनों से कितना अनजान देखेगी तू मुझे। और आखिरी शेर है कि अब तो ख्वाबों में ही चैन की सांस ले पाता हूँ, अब तो ख्वाबों में ही चैन की सांस ले पाता हूँ और कितना बेजान देखेगी तू मुझे। शुक्रिया, माय नेम इज संगम से बात, तो आप लोग प्यार से भी बुला सकते हैं। थैंक यू।